हाय ऑल डियर स्टूडेंट्स, और बेसिकली मेरे साथ इरशाद सर है। और आप सबको पता है इरशाद सर ऑलरेडी एसएपी प्रोफाइल में लास्ट 8+ ईयर्स से काम कर रहे हैं। बेसिकली मैं इरशाद सर के साथ मल्टीपल वीडियोज मैंने रिकॉर्ड की है, और फिर से आज आप सबके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। द बेस्ट थिंग अबाउट द इरशाद सर एंड हिज कोर्स कैरिकुलम, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लीट सपोर्ट। लाइक एसएपी एक ऐसा प्रोफाइल है और एक ऐसा फील्ड है जिसमें जैसे एक छोटे बच्चे को ना उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है, सेम ऐसे ही अगर आप एसएपी में अपनी कैरियर बनाना चाहते हो तो आपको ऐसा ही मेंटर चाहिए। आप कहीं भी, आपको रिकॉर्डेड वीडियो सर्वर मिल जाएगा, बट आप वो रिकॉर्डेड वीडियो और सर्वर से सिर्फ और सिर्फ आप टाइम वेस्ट कर सकते हो। आपको एसएपी की लर्निंग नहीं होगी, बिकॉज एक ऐसा पॉइंट आएगा आप वहाँ स्टक कर जाओगे, और आपको ना गूगल हेल्प करेगा और ना आपके साथ कोई और होगा हेल्प करने के लिए। सो इरशाद सर एक ऐसे फैकल्टी है जो अपने स्टूडेंट्स को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, और वो एक रीजन है जिसकी वजह से आज मैं भी यहाँ हूँ एंड आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन एसएपी प्रोफाइल फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें एसएपी में प्रैक्टिकली किया है, बट या आई हैव लर्न मेनी थिंग इन एसएपी। आई हैव हैंडल 2+ प्रोजेक्ट इन एसएपी, और बिकॉज ऑफ इरशाद सर मुझे कभी भी ऐसा टेंशन नहीं हुआ कि यार ये चीज़ अगर मैं स्टक कर गया तो क्या होगा। आज भी इरशाद सर वहाँ पे मुझे सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं, या कभी भी सर को मैसेज कर लो सर रिप्लाई करते हैं। इवन सर के पास ऑलरेडी जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको टिल सिलेक्शन तक सर उसका उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अभी सर उनको दोबारा से क्लासेज और उनका इंटरव्यू में तैयारी करवाने में, वो सारी चीज़ें में हेल्प कर रहे हैं। मार्केट में कोई भी फैकल्टी आपको कंप्लीट सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि सर कहीं कुछ काम नहीं करें, सर ऑलरेडी वर्किंग है, बट द पैशन और पैसनेशन जो सर के अंदर है, जो सर पैसनेट है चीज़ों को करने के लिए, वो आपको मार्केट में कहीं और नहीं मिलेगा। लाइक अगर आप मुझे भी देखोगे, मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाता हूँ, सीएमए वाले बच्चों को कैंपस की तैयारी करवाता हूँ, मार्केट में बहुत सारे लोग करवाते हैं, बट जिस प्राइस पॉइंट पे और प्लस जो सपोर्ट मैं देता हूँ वो बाकी लोग नहीं देते। तो सेम वही क्वालिटी सर के अंदर भी है, इसलिए कहीं ना कहीं सर से मैं हमेशा लिंक हूँ। और शायद मैंने सर को अभी तक बोलने का मौका भी नहीं दिया, बिकॉज बहुत सारी चीजें थी मेरे दिल में जो मैं आपको कहना चाहता था। सो हाय सर, कैसे हो आप? हाय रोहन, आई एम वेरी गुड, बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपने जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे कुछ चीज़ें आपने बताई कि वो पुराने स्टूडेंट को भी आप कंटिन्यू क्लास सपोर्ट दे रहे हो कि वो क्लास वो अभी एसएपी प्रोफाइल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंटर करे, तो ये बहुत एक हार्ड डिसीजन था। या बिल्कुल बिल्कुल हाँ, एक्चुअली क्या था ना कि मैंने भी एक चीज को देखा कि और सोचा भी कि जो भी स्टूडेंट्स है जो मेरे से लिंक्ड हो रहे हैं या फिर जो मेरे से असाइन हो रहे हैं या फिर जो मेरे से पढ़ने के लिए रेडी है, कहीं ना कहीं वो मेरे से मेरे ऊपर बिलीव करके, आपके ऊपर बिलीव करके वो आए हैं पढ़ने और पूरा कोर्स किया, कंप्लीट हुआ। लेकिन बाय द वे किसी भी रीजन से हो सकता है कि अभी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, या फिर अगर अभी कुछ पीछे रह गए हो, या फिर हो सकता है कुछ और उनके पर्सनल रीजन हो, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिल में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मुझे नहीं बिल्कुल अच्छा लगता कि उन्होंने मेरे साथ कोर्स किया और जॉब नहीं लगी। तो वही जो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक काम करूंगा कि इनको मैं फिर से ट्रेनिंग दूंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जब तक जॉब नहीं लगती तब तक मेरे से ट्रेनिंग लो, और तब तक ट्रेनिंग लो जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती, ठीक है? तो मैंने सबको फिर से कॉल करके बोला, जिसमें से भी दो चार या फिर 8-10 बंदे जो थे, जो कि मैंने कॉल बोला और बोला कि मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, आओ फिर से एक बार फिर से ट्रेनिंग लो, लेकिन सीखो, क्योंकि मेरा जो एम है, जो मेरा एम है, मेरा ये है कि सारे के सारे लोग एक अच्छे करियर के साथ, जो सोचकर मेरे साथ एसोसिएट हुए, जिन्होंने सोचकर मुझे चूज किया अपने एज अ ट्रेनर के रूप में, मैं चाहूंगा कि वो लोग एकदम अच्छे से सक्सेस हो जाए। इसलिए मैंने सबको एक ही अपॉर्चुनिटी फिर से दिया दोबारा। और यही नहीं, आने वाले समय में भी मैंने ये सोचा है कि अगर कोई बंदा मेरे से एसोसिएट होता है या फिर मेरे साथ अगर ट्रेनिंग लेने आता है तो ठीक है, एक बार का जो कोर्स है वो हो गया, अगर उसके बाद भी नहीं हो पाता कोई बात नहीं, वेलकम है। अगर और करना है कोर्स कोई बात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे साथ रहो, जो मैं बैचेस हैं उसमें आप मेरे साथ फिर से दोबारा ट्रेनिंग दूंगा मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, ठीक है? फिर मैं देखता हूँ क्यों नहीं लगती है जॉब आपकी, कब तक नहीं लगेगी जॉब आपकी। तो बस यही रोहन, ये सोच करके मैंने सोचा कि देते हैं सबको। ओके सर, तो अभी जो आप न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हो या फिर ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर दिया है, तो लाइक अगर न्यू बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कब से ज्वाइन कर सकते हैं?
एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी रिसेंटली एक बैच ज्वाइन किया है जिसकी हार्डली मेरे ख्याल से वन ही क्लास हुए हैं अभी तक। वो भी जो वन क्लास हुए थे वो थ्योरिकल क्लास था पूरा, कि फंडामेंटल ऑफ एसीपी। आपको पता ही है कि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं बहुत तेज नहीं जाता, बहुत ही फास्ट मेरा वो नहीं है, आराम से धीरे धीरे। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत खत्म करके फिर दूसरा बैच लेना है, ठीक है। तो अभी जो है कि मैंने उसको उनको सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर किया है, डेट मीन्स व्हाट इज एसएपी, एसएपी क्या होता है, कैसे ये आया, इस्टेब्लिश कब हुआ, कब हमारे पास आया, कैसे कैसे इसका ग्रोथ हुआ। यानी अगर मैं कहूँ तो टोटली थ्योरी पार्ट है और एक ही बैच हुआ है। इससे यह है कि अगर कोई बंदा अगर अभी भी ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, अभी भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो चीज को ज्वाइन कर सकता है। जो अभी हमारी क्लासेस हुई है वो जो रिकॉर्डेड वीडियो है, जो अभी सिर्फ एक ही क्लास हुई है, मैं उसको शेयर कर दूंगा उनके साथ, ताकि वो एक वीडियो को करके वो बराबर में आ जाए। और अगर ऐसा अगर वो तो भी नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, अगर उनको मेरे से अगर पर्सनल वो क्लास भी अगर चाहते हैं कि मैं उनकी भी ट्रेनिंग दूं, तो कोई बात नहीं, मैं समय निकाल करके, जैसे तैसे समय निकाल करके, क्योंकि आपको पता है कि मॉर्निंग 9 to 8 जो है मेरा जॉब है, 8 बज जाता है घर आते आते, तो 8 आफ्टर 8 o'clock कभी भी बैठ करके मैं जो उनसे जो वो क्लास छूट चुकी है मैं उसको कवर कर दूं, बहुत और अच्छी वो बात क्या है, करेंगे कि इस बैच में फिर से उसको ज्वाइन करवा दूंगा मैं, ग्रेट सर। तो ये मैंने सोचा। सो बेसिकली जो क्लासेज होंगी वो क्लासेज की भी आपको सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी सेम डे, प्लस आपको बिल्कुल सर्वर भी 6 मंथ के लिए एक्सेस के लिए आपको मिलेगा। फीस में भी क्या है कि आपको वन टाइम पूरा फीस पे नहीं करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और दे आर पैशनेट टू लर्न एसएपी, इसलिए हमने फीस में भी रिलैक्सेशन दिया है कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। 50% कोर्स कंप्लीट हुआ तब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप विद इन द वीक आप पे कर सकते हो। लाइक 12,000 या 13,000 आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे लो और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप रिमेनिंग आप अपना दे लो, ओके, आफ्टर 2 मंथ। सो हम मोस्ट ऑफ द जो मार्केट में फैकल्टीज है, मैं ये चीज़ आपको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है। आपको पूरा पैसा वो फर्स्ट टाइम ले लेंगे, कुछ क्लासेज होने के बाद हो सकता है फैकल्टी आपको रिस्पॉन्स ना करे, या फिर आपको इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने क्लासेज लिया आपको वो रिस्पॉन्स ना करे, बिकॉज जो भी फैकल्टीज होते हैं वो इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल क्या है, डायरेक्ट इरशाद सर आपसे कनेक्टेड होंगे, कोई थर्ड इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है कि कोई मीडिएटर बीच में, तो डायरेक्टली ही विल गाइड यू, ही विल ट्रेन यू। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है और आप विदाउट एनी टेंशन आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं इतना 100% श्योर हूँ कि आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं भी रिग्रेट फील नहीं होगा कि आपने एसएपी की ट्रेनिंग सर से क्यों ज्वाइन की, बिकॉज सर की नॉलेज बहुत अच्छा है, एक्सप्लेन करने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है, और सर रियल लाइफ जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे चीज़ें आपको एड ऑन करते हैं, जिससे आपको एक कम्प्लीट नॉलेज भी मिलता है। तो आई थिंक एक कम्प्लीट सपोर्ट है, 4 मंथ का कोर्स है आप सबके सामने। सैटरडे संडे को क्लासेज होगी, 2-2.5 घंटे की क्लासेस चलेगी, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आप प्रैक्टिस करो, जो प्रॉब्लम्स होता है आप सर से आप पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। सर 24 आवर के अंदर जब भी सर फ्री होते हैं तो सर आपको उसके वीडियो भी दे सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम था, किस वजह से आपको प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इतना उंगली पकड़ के चलना आपको कोई नहीं सिखाएगा। अगर आप सच्ची में अगर आप पैशनेट हो एसएपी सीखने के लिए तो आप डेफिनेटली आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, सर के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो, और कभी भी कुछ लगेगा तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे यहाँ सपोर्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिजॉल्व। ऐसा मैं 100% श्योर हूँ कि ऐसा कभी सिचुएशन आज तक तो नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा। बिल्कुल सो सर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल आपने सब कुछ कह ही दिया, ठीक है। फिलहाल मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी भी अगर कोई ऐसा है जो कि अभी सोच रहा है कि मुझे क्लास करना है, अच्छा सर एक क्वेश्चन है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि सर एसएपी सीखना भी सही है क्योंकि एआई वर्ल्ड आ चुका है, अब एआई सीखे या एसएपी सीखे, क्या एसएपी की वैल्यू है अभी, तो आप इस डाउट को क्लियर कर दो आज। बिल्कुल बिल्कुल मैं कर देता हूँ कि देखिए एआई जो है वो ठीक है, अभी मार्केट में है, न्यूली है, ठीक है, काफी ग्रोथ पे है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो एआई और एसएपी में बिल्कुल डिफरेंस। एआई और एसएपी से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, एसएपी का कभी भी कोई रिसेशन नहीं आने वाला, ठीक है। आप खुद सोचो क्योंकि अभी आज के समय में एज ए एसएपी अगर मैं बात करूं, एसएपी कंसल्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, ना कि एंड यूजर की, ठीक है। तो एंड यूजर किसी भी कंपनी में आप देखोगे, क्या कोई भी बड़ी कंपनी है, अगर किसी ने अपना सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करवाया, सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करवाया, तो सॉफ्टवेयर में इशू आएगा,
ठीक है, वो डेली बेसिस पे होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तरह तरह के रिपोर्ट्स चाहिए, तरह तरह के उनके एजिंग रिपोर्ट्स हो गया, तरह तरह के प्रॉफिट रिपोर्ट हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करता है, कंसल्टेंट ही करते हैं, एंड यूजर वो होंगे जो डेली के पोस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, एक बार ये होता है जो डेली के पोस्टिंग करने वाले, हो सकता है कि कहीं ऐसे पे किसी एक चीज को करने के लिए 20 गाइस हो, उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा उन्होंने छटनी किया, उन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस किया, और करने के बाद 20 से 5 बंदों को ही रखा और 5 से ही अपना काम चला रहे हैं। लेकिन जो अगर टिकट जो फंस गई या फिर उनकी कुछ नई रिक्वायरमेंट आ गई या इशू आ गया कुछ, तो वहां पे तो कंसल्टेंट ही आएगा, वो कंसल्टेंट को कर ही नहीं सकते। अगर उन्होंने कंसल्टेंट को अगर बायकॉट किया, कंसल्टेंट का अगर उन्होंने जॉब अगर वो लिया, ठीक है, तो पता है क्या होगा, उनका काम रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो इशू आ गया तो कंसल्टेंट के अलावा कोई सॉल्व करेगा नहीं, राइट? तो उनका क्या होगा, वो इस इशू के चक्कर में एक भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाई। तो यही रीजन है कि इससे पहले भी रिसेशन आया था, 2008 में आया, 2012 में आया, और अभी भी मतलब सुनने को रहता है, लेकिन SAP में कभी भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और आज SAP की क्या है कि पहले तो चलो ये था कि SAP काफी कॉस्टली हुआ करता था, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लगवाती थी, और आज तो ये है कि SAP भी पहले से काफी सर्विसेज देने लगी हैं, और साथ ही साथ क्या है कि काफी लो कॉस्ट हो गया, तो या कॉस्ट जो कस्टमर हो गया है, उसके वजह से क्या है कि अब मिडिल क्लास की भी कंपनियां आ रही हैं। अब कंपनी इतना है, मार्केट में जॉब इतने हैं कि एक परफेक्ट कंसल्टेंट मार्केट में जल्दी मिलते नहीं, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। हालांकि ये IT इंडस्ट्री है, कुछ भी नहीं कह सकते, कभी भी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ हमारी जो पीढ़ी, हमारी जो जनरेशन है, ठीक है, मेरी जनरेशन या मेरे आने वाले अभी 10 साल तक जो जनरेशन है, इनका निकल जाएगा आराम से। बाकी और बहुत दूर जाकर के अगर देखेंगे तो मैं भी नहीं श्योर हूँ, ठीक है, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, इनका तो निकल जाएगा, यही है। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जस्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज आप जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लो, डोंट वेट, राइट टाइम कभी भी नहीं आता जब तक आप नहीं चाहोगे, और जब तक आप अपने अपने लिए नहीं सोचोगे, दुनिया में आपके लिए कोई नहीं सोचने वाला है। सो दिस इज योर टाइम, यू नीड टू टेक इनिशिएटिव फॉर योर सेल्फ, जस्ट रजिस्टर्ड नाउ और स्टार्ट योर क्लासेस, ओके, एंड चेंज योर कैरियर पाथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ओके सर? यस यस, थैंक्स, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच रोहन, चलो फिर बाय, टेक केयर।